जीनते मशरकैन लिखा है, कल्बे जहरा का चैन लिखा है, हमने कागज पे रख दिए आंसू, लोग समझे हुसैन लिखा है, हमने कागज पे रख दिए आंसू, लोग समझे हुसैन लिखा है। एक नात का शेर पढ़ो इमाम साहब। ऐ फलक हम फख्र के साथ कहते हैं, शहरे मुल्क हिंदुस्तान भाई राशिद मरकजी साहब माशाल्लाह ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। 4,000 गज में, कितने 5 बीघा में माशाल्लाह कालीच 5 बीघा में तकरीबन 3 करोड़ की लागत से जमीन है। अच्छा तो लागत 3 करोड़। हाँ माशाल्लाह, इनसे जुड़िएगा, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह इन्हें सलामत रखे और जो मकसद में इन्होंने कदम उठाया अल्लाह उस मकसद में इन्हें कामयाबी अता फरमाए। हर शायर हर मुकर्रर को तवज्जो देना चाहिए। समझ रहे आप माशाल्लाह। शेर पढ़ता हूँ राशिद मरकजी साहब अल्लाह की दुआएं लेकर, तौफीक साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, शेर पढ़ता हूँ देखें। मायूस मत होना, बहुत लगे चक्कर में, इस्लाम मिटा दिया जाए। अरे इस्लाम को मिटना होता तो करबला में मिट गया होता, अब किसकी हिम्मत है जो इस्लाम को मिटा दे। एक शेर पढ़ता हूँ सुन्नियों। ऐ फलक गर तेरा मीनार बहुत ऊंचा है, ऐ फलक गर तेरा मीनार बहुत ऊंचा है, उनके नालायक का मियार बहुत ऊंचा है। तवज्जो चाहूंगा थोड़ा, ऐ फलक अगर शायरी समझते तो आपको बोलना, कंजूसी ना करो भाई। भाई शेर मैं भी पढ़ रहा हूँ यार, समझ नहीं आ रहा। पठानकपुरवा के लोग बहुत अच्छा आप सुनते हैं और नवाजते हैं, सुभान अल्लाह से जरा कहिए सुभान अल्लाह। ऐ फलक गर तेरा मीनार बहुत ऊंचा है, उनके नालायक का मियार बहुत ऊंचा है। हम गुलामों की गरीबी से ना धोखा खाना, हम गुलामों की गरीबी से ना धोखा खाना, हम गुलामों का खरीदार बहुत ऊंचा है, हम गुलामों का बहुत ऊंचा। कारी साहब ही शेर समझे, बाकी आपने क्या समझा है। आइए बिला ताकी बहुत तेजी के साथ शायरी मुल्क हिंदुस्तान जिसकी